यूक्रेन से भारत अपने घर लौटे खरगोन के सभी 9 छात्रों को पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कार्यालय बुलाकर उनका स्वागत किया। इससे लोगों में उत्साह का माहौल व्याप्त है। हम आपको बता दें कि ये सभी छात्र युद्ध के बाद सहमा गए थे, जिन्हें भारत सरकार ने अपने वतन सकुशल पहुंचाकर उनके परिजन से मिलाया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने इन छात्रों को सम्मानित करके उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, जबकि भारत सरकार ने अपने भविष्य की चिंता व्यक्त करते हुए भारत सरकार से देश में मेडिकल पढ़ाई की सीट बढ़ाने की मांग की। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य सरकार और बाकी SP साहब का बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हमारे से मतलब लगातार कांटेक्ट में रहे, हर इन्फॉर्मेशन हमारे से कन्वे करी और जो भी जरूरत लगी थी उन्होंने पूरी हमारे में मदद करी। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं SP साहब को, हमारे मध्य सरकार को और सभी लोगों को। क्या नाम है? तुषार यादव। लेकिन सरकार बृहस्पति संकल्पित थी इनको वापस लाने की, और खरगोन जिले के जो 9 बच्चे यूक्रेन में फंसे थे उनको सकुशल यहाँ लाया गया, तो हम लोग लगातार फॉलो कर रहे थे और आज हमने उनको सभी को SP ऑफिस बुला के उनको सम्मानित किया और उनसे हमने चर्चा की। पुलिस ने सर किस प्रकार से सर उनकी मदद की थी जब वो फंसे गए थे? लगातार फॉलो करते रहे और यहाँ से जो जानकारियाँ मिल रही थी, सेतु का काम कर रहे थे और परिवारजनों से लगातार संपर्क में थे और सूचनाएँ जो बाहर से आ रही थी उन तक पहुँचा रही थी। महिला दिवस। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।